ग्रेटर नोएडा की नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने कार डीलर के यहां से हुई वेन्यू कार लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लूटी हुई गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। यह तीनों ही आरोपी ग्रेटर नोएडा के नामी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए कार को चुराया था। 26 सितंबर को नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के लेजिसोनिया मार्केट में स्थित एक कार डीलर के यहाँ से कुछ युवकों ने कार ट्रायल के बहाने एक गाड़ी को लूट लिया। यह लुटेरे हेलमेट पहनकर आए और गाड़ी का ट्रायल करने लगे। गाड़ी का ट्रायल कर रहे कर्मचारियों को इन लोगों ने धक्का दे दिया और उसके बाद गाड़ी लेकर फरार हो गए। तत्काल प्रभाव से इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में टीम का गठन किया गया। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध ने और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में थाना नॉलेज पार्क पुलिस के पुलिस प्रतिनिधि है सचिव नॉलेज पार्क की टीम ने सीसीटीवी मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्विलांस के माध्यम से दिनांक 26/9/2024 को टेढ़ी बिल्डिंग स्थित कार बाजार से हुंडई कार को ट्रायल रन के लिए ले जाने के बहाने इसको लेकर के भाग गए थे। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को चेक किया व सर्विलांस की मदद ली गई और इस दौरान करीब 100 से ज्यादा कैमरे पुलिस द्वारा खंगाले गए, लेकिन इंटेलिजेंस गोपनीय सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आखिरकार इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान श्रेय नगर, अनिकेत नागर व दीपांशु भाटी को गिरफ्तार कर लिया। यह तीनों ही आरोपी ग्रेटर नोएडा की नामी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। इनमें से एक बीटेक, एक बीपीटी और एक बीएससी कर रहा था। पूछताछ में पता चला कि इनमें से एक आरोपी को अपनी गर्लफ्रेंड को नई गाड़ी में घुमाना था, जिसके लिए एक नई गाड़ी की जरूरत थी। इसके बाद तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया और पूरी योजना के तहत इन्होंने वेन्यू गाड़ी को लूट लिया। इनके कब्जे से हुंडई कार को बरामद किया गया है। ये गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्रेय नागर निवासी थाना इकोटे, दीपांशु भाटी निवासी थाना कासना, अनिकेत नागर निवासी थाना इकोटे। ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस घटना का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लूटी हुई वेन्यू गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। इस दौरान 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रेटर नोएडा, सी न्यूज़।